सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रहेगा, ताकि वैश्विक कारोबार पर भारत की हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाई इस वक्त जा सके। फिलहाल भारत की जो ग्रोथ है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, यानी प्रधानमंत्री मोदी को अपने 10 साल के काम, अपनी रणनीति और जनता पर भरोसा है, और इसलिए उन्होंने चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही अगली सरकार का रोडमैप भी तैयार कर लिया है। लेकिन इस आत्मविश्वास के साथ साथ पार्टी और संगठन ग्राउंड लेवल पर भी पूरी ताकत झोंक रही है, हर बूथ तक और हर मतदाता तक पहुंचा जा सके, इसके लिए बीजेपी ने नमो योद्धा तैनात करने का प्लान बनाया है। अकेले दिल्ली में ही ऐसे 10,000 से ज़्यादा नमो योद्धा तैनात होंगे, लेकिन ये नमो योद्धा क्या हैं और बीजेपी के लिए कैसे काम करने वाले हैं, ये समझने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का मिशन 370 प्लस का प्लान तैयार है। एनडीए के 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने के लिए पार्टी के सभी अंगों ने अपने अपने स्तर पर जमीनी काम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है। पार्टी चुनाव से पहले दिल्ली में अपने 10,000 कार्यकर्ताओं को नमो योद्धा के तौर पर तैनात करेगी। ये योद्धा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान के बीच अंतर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। 10,000 नमो योद्धा होंगे तैनात, ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान के बीच अंतर करेंगे खत्म, मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे, कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत, आप कांग्रेस गठबंधन पर हमला करने वाले कंटेंट करेंगे प्रसारित, प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे नमो योद्धा, केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं की देंगे जानकारी, आप कांग्रेस गठबंधन वाले इलाकों की जानकारी जुटाएंगे। जानकारी के मुताबिक इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर पोलिंग बूथ स्तर तक के स्वयं सेवक तक शामिल होंगे। इस अभियान के लिए चुने गए लोग पहले प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, फिर चुनावों से पहले सड़कों से डिजिटल क्षेत्र तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की प्रतिक्रिया को देखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना, PMAY जैसी कई केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव के लाभार्थियों से संवाद करेंगे, जिसकी वजह से राजधानी के लोगों के जीवन में बदलाव आया है। भाजपा अपने इस पहल के सहारे मतदाता के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को उजागर करने के अलावा आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को निशाना बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।